ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर को पुणे की एक सेशन कोर्ट से 25 जुलाई तक अग्रिम जमानत मिल गई है। दिलीप खेड़कर जमीन विवाद में एक किसान को पिस्टल से धमकाने के मामले में सह आरोपी हैं। इस मामले की मुख्य आरोपी उनकी पत्नी और पूजा की मां मनोरमा खेड़कर पुलिस कस्टडी में है। पुलिस ने मनोरमा को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। मनोरमा रायगढ़ जिले में एक लॉज में छिपी हुई थी। उनके साथ एक लड़का भी था जिसे उन्होंने अपना बेटा बताया था। मनोरमा की गिरफ्तारी के बाद दिलीप ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। पुणे पुलिस ने 19 जुलाई को बानेर में नेशनल हाउसिंग सोसाइटी स्थित मनोरमा के घर से एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस को शक है कि ये वही पिस्टल है जिससे मनोरमा ने 4 जून 2023 को पुणे की मुलशी तहसील के धड़ावली गांव में किसानों को धमकाया था। किसानों को पिस्टल से धमकाते मनोरमा का वीडियो तब सामने आया जब इस महीने उनकी बेटी पूजा खेड़कर यूपीएससी सिलेक्शन जांच के दायरे में आ गई। यूपीएससी ने दिल्ली में पूजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही सिविल सेवा में उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और आगे की परीक्षाओं में शामिल होने से रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।